से है जहां देहरादून के राजपुर रोड स्थित होटल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। बता दें कि सेरेमनी में उद्योग जगत से जुड़े तमाम दिग्गज उद्योगपतियों ने शिरकत किया। साथ ही साथ इस सेरेमनी में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सभी उद्योगपतियों से मिले सुझाव के आधार पर राज्य में उद्योग स्थापित करने और राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जाने के उद्देश्य पर कार्य किया गया है, जिसके तहत 71,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड पर कार्य किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी का भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पूरे इन्वेस्टर समिट से लेकर कैसे उद्योग किस प्रकार से यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन होना अपना देश दुनिया के सामने उत्तराखंड के लिए रखी, उसके कारण से आज हमको लगभग 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। 20% लगभग ये राशि है जो टोटल हमारे एमओयू हुए हैं, और संभवतः एमओयू के बाद इतनी बड़ी ग्राउंडिंग कम देखने को मिलती है। इसमें हम सबको ये प्रोत्साहित करती है, हमारे अंदर ऊर्जा भी लाती है, और आगे के लिए हमको और काम करना है। हमारा तो ये लक्ष्य है कि जितनी भी हमारी निवेश के हमारे करार हुए हैं वो सारे के सारे ग्राउंड पर उतरे, और उद्योग समूह के लोग जो निवेश करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। उनसे आग्रह करा है, शुरू से हमने ये भी कहा है कि हम उद्योग समूह को उन निवेशकों को प्राथमिकता देंगे जो युवाओं को अधिकतम रोजगार देने का काम करेंगे।